वातावरण है, एकदम शांत है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सारे दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको एक स्टेकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन बताने वाली हूँ। तो रिजॉर्ट का नाम है इठाना इटर्निटी रिट्रीट, जो कि नियर अबाउट देहरादून से 45 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो आइए सबसे पहले मैं इनका रूम्स दिखा देती हूँ, बाद में रिजॉर्ट के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये जो रूम आप देख रहे हैं ये इनका पहाड़ी कैटेगरी है, एकदम कोजी एंड कॉम्फी। ये है नाइट व्यू, आप देख सकते हैं बाहर, बाहर का नज़र आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है लाइट 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 लाइट, ये सारे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है आगे, तो उसका है। अभी तो हमको कुछ नहीं दिख रहा, सुबह सुबह जैसे ही होगा मैं आपको सारे दिखाऊंगी। लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे है, व्यू तो मैं तो व्यू देखने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, कब सुबह होगा और मैं व्यू देखूँगी। आ जाओ बेटू, कम, अभी हम जा रहे लंच करने, सॉरी डिनर करने। हमने लिया था साल रूम, ये है पहाड़ी रूम। और यहाँ पर सुबह दिखाऊंगी मैं आपको, यहाँ पर ये भी है, क्या बोलते हैं, कॉटेज रूम भी है। हम गए थे वहाँ पे, पर वहाँ पे थोड़ा मतलब बहुत शांत है ना, तो थोड़ा डर सा लगा क्योंकि जंगल जंगल है। तो हम लोग आ गए, तो यही रूम चूज़ करें हम रहने के लिए। हर सैटरडे यहाँ पर म्यूजिकल नाइट्स होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो गई, ये देखिए व्यू देखिए कितना प्यारा नज़ारा है होटल की बाहर से। उठ गए बेटा, आ रहे हो आ रहे हो। और यहाँ पे देखिए इन्होंने 5 टाइप के रूम्स बनाए हैं, 5 टाइप्स ऑफ रूम। एक है यहाँ पर है पाइन रूम, और एक है डियोडा रूम, और एक है स्पूस रूम, और है ये है ब्रांस रूम, और एक है ये साल रूम। हमारा जो था साल रूम था। और ये एक खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी रूम्स है उनके नाम के हिसाब से ये ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि साल है ना हमारा, तो ये ट्री के बारे में यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, वैसे हर रूम में एक एक बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए देखिए कितना सुंदर सुंदर आर्ट वर्क बनाया है, बॉटल आर्ट है। और ये सब जो है देख के लगता है हम कोई रिजॉर्ट या होटल में आके नहीं रुके हैं, एकदम घर जैसा माहौल है। देखिए ये होटल का कॉरिडोर है, ये सारे पहाड़ी रूम से। एक बात यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि ये जो रूम्स के नेम से ये सारे डेडिकेटेड टू प्लांट्स है, मतलब पेड़ों के नाम से हुआ है। मतलब ये एक है कि यहाँ पे नेचर को डेडिकेट किया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक लिविंग रूम टाइप का बनाया हुआ है, ये देखिए बैठने के लिए है।
लाइब्रेरी जैसे बुक्स भी रखे हुए हैं। है ना, छोटा सा लाइब्रेरी है, आप यहाँ पे अपने फ्री टाइम पे बैठ के पढ़ सकते हैं नेचर को एंजॉय करते हुए। व्यू देखिए, बस व्यू देखते रहिए। सच ए पीसफुल प्लेस इट इज। हाय, सुबह का वातावरण है, एकदम शांत एंड काम है, कोई नहीं है, एकदम पीसफुल जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिस वन इज द मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ दिस प्लेस, आप लोग देख सकते हैं माउंटेन व्यू स्विमिंग पूल। दूर से यहाँ पर आपको एक मंदिर भी दिखाई देगी जिसका नाम है इठारना मंदिर। इठारना के नाम से ही विलेज का नाम है और रिजॉर्ट का नाम भी इठारना ही है। ये किड्स फ्रेंडली रिजॉर्ट है, आप अपने वेकेशन के लिए यहाँ पर फैमिली के साथ बच्चों के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात मुझे अच्छी लगी कि कोई भी रूम पर यहाँ पर टीवी नहीं है और यहाँ टीवी की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ऐसे प्लेस में आने के बाद आप नेचर के साथ एकदम से खो जाओगे और टीवी देखने के लिए चांस भी नहीं मिलेगी। सुबह का 9 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। रात का खाना तो बहुत ही अच्छा था, डिनर, और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट में इन्होंने क्या आइटम्स रखे हैं और टेस्ट कैसा है और क्वालिटी कैसी है आपको सारे दिखाऊंगी। खाना तो हम रोज़ खाते हैं पर ऐसे व्यू वाली जगह अगर मिल जाए खाने के लिए तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। हमारा गर्मा गर्म पूरी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये है उसके साथ आलू की सब्जी मेरी फेवरेट, और ये आलू पराठा, और ये हेल्दी एंड टेस्टी पोहा। तो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद ये प्लेस को अलविदा कहने का वक्त आ गया। तो देखिए ये है रिजॉर्ट, और आपको यहाँ तक आने के लिए ना सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा, कम से कम 70-80 सीढ़ियाँ हैं। जब हम अभी तो रिटर्न जा रहे, जब रात को हम आए थे तो बहुत थक गए थे, एकदम अंधेरा था। पर एक बात ये है कि यहाँ के होटल स्टाफ्स भी बहुत हेल्पफुल है, वो रात को हमारा लगेज लेने के लिए बहुत मदद करे ऊपर चढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल एरिया है, अगर आपको भी आना है तो ज़रूर एक बार विजिट करिए, प्लान करिए। अगर ऋषिकेश तक आते हैं तो ये नियर बाय स्पॉट है, ये एक ऑफबीट प्लेस भी है, तो यहाँ पर आके आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी, ग्रीनरी देखने को मिलेगी, और पीसफुल वातावरण है जो कि आपको थोड़ा, अगर आप नेचर लवर है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आज का स्टेकेशन का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।